نیہ بج بڑا بڑا موٹور بج سب سات ہم وائر کے نو بجے کے آس پاس یہ بڑا हो गई। हम डिनर कर रहे थे तो अचानक बाहर से ये पड़ोसी हमारे ने थोड़ा शोर किया कि जब हम बाहर निकले तो वहाँ जो हमारे स्मार्ट मीटर है इन्होंने आग पकड़ी थी, उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो जो जब तक हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया वो यहाँ पहुँचे, इवन कि मैं खुद गया, वो मतलब मुझे लगा मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, उनको जल्दी साथ ही ले आऊँगा, तो 5-7 मिनट में हम वापस पहुँचे। तो तब तक सारा उसने फायर ने कैच किया था, तो उसके बाद आपको पता ही है सारा खत्म हो गया। तो दो फैक्ट्रीज थी जिसमें काफी सारा स्टॉक था, जैसे हमारे कुछ आर्मी यूनिट्स हैं उनके फर्नीचर गुजरात जाने वाला था, गांधीनगर का उनका फर्नीचर था, कलकत्ता जाने वाला था 6-6 का, तो उनका फर्नीचर जल गया। तो और हमने जो स्टॉक जैसे हमारा रॉ मटेरियल होता है वुड, वॉलनट वुड, वो हम साल भर इकट्ठा करते हैं और फिर हम इन विंटर्स के मंथ्स में उसको चराई वगैरह सा करते हैं, फिर यहाँ ले आते हैं। तो वो हमने 1-2 महीने से हम कर रहे थे, अब हमने वो लगभग लगभग फाइनल करके यहाँ लेके आए थे। वो भी तकरीबन सर 1.5 करोड़ रुपए का था पूरा स्टॉक, जो हमने 1 साल से जमा किया और अब हम यहाँ से उसको लेके आए थे। कि एक फैक्ट्री का, जैसे ये 2 फैक्ट्री थे, एक फैक्ट्री का कम से कम 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया सर। जैसे मशीनरी थी, रॉ मटेरियल था और जो फिनिशड आइटम्स थे फर्नीचर वगैरह, वो सारा तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का स्टॉक वगैरह मशीनरी थी सर। तो हम ये चाहते हैं, काफ़ी बार हमने ना इंडस्ट्रीज में मतलब काफ़ी सालों से 10-15 सालों से ये बोल रहे हैं कि हमें कहीं पर ऐसी जगह दीजिए इंडस्ट्रीज में जहाँ पर हम ये फैक्ट्री शिफ्ट कर सकें। मतलब हर साल वो कोई ना कोई डेट देते हैं, अब होगा अब होगा, अब हम कभी बोलते हैं जहाँ माँ में हम सारी जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको भी उसी के साथ देंगे। मतलब काफ़ी टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं पर वो कभी हमारा सुनते नहीं है, जिस वजह से अगर इस वक्त देखा जाए तो हमारे घर को भी नुकसान पहुँचा। अगर फैक्ट्री गई तो गई मगर हमारे रहने की जो जगह है वो भी चली गई। तो इस वाले से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अफसर आए थे, तहसीलदार साहब, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने कोई टीम भी, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बोला है हम इस पे गौरव फिक्र करेंगे कि हम आपको DIC वगैरह में देखेंगे कि कोई जगह दे सके ताकि आप अपना रोजगार फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि सर एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ 50 से 60 वर्कर्स काम करते हैं, यानी दैट मीन्स कि हमारे 60 फैमिली चलती है इन फैक्ट्री से, तो उनका भी रोजगार सर इस वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल सर, थोड़ा मदद करे, चाहे हमारे फैक्ट्री का या जो हमारे घरों का थोड़ा वो मदद कर सके ताकि हम भी फिर से कुछ स्टार्ट कर सके सर। तो चार फैमिलीज थी, जैसे मेरे ब्रदर अलग थे, मेरे अंकल और उनके बेटे, मतलब हम 4 फैमिलीज थी। और उसके बगैर एक हमारे यहाँ नेबर है, वो भी इस जद में आ गए तो उनका भी मकान चला गया सर। जिला तरक्याती कमिश्नर पे वो आपके लिए रहने के लिए कोई, हाँ उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ हमारा बंदोबस्त करे रहने के लिए या कुछ। मुड़बार इंसिडेंट मुड़बार वाका को पेश कानी बाग बाबा ऋषि रोड मोहतरम फारूक अहमद शेख, फयाज अहमद शेख, मंजूर अहमद शेख, बेशक शेख नसनी मुश्ताक अहमदीन। एक्चुअली ये बोर्ड बार फर्म अख बोर्ड बार प्लांट मतलब फर्नीचर प्लांट ये करीबन करीबन 50 to 60 नफर आसान एटलीस्ट पुन रोजगार पुन कर। बेसिकली अगर वो कि नियर अबाउट आस करीबन 8-7 अथी बीचस मे गुत यह नार स्टार्ट बहुत पुन अगर तुम कैमरा हूँ गुम हम साइड हूँ हाई तो अमे गो ये पे स्टार्ट ईस कल मतलब अस तो लोग अंदाज कह पता लोग कहीं पीर बत वगैरह अस खा इतने पड़ी द्रा ब्रदर अख नबर बिल सब तम दिख नजर तम वो नार यूत जबरदस्त खोदमुत इतने पड़ी ईस कल वास गाड़ी जोर योर पत गई कम तो दिवान आब आब वगैरह गो वाटर खत्म पे वाटर जरूरत बे ग आब रिस्टोर गो भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद डिफेंस की गाड़ी आ गई, पुलिस भी आ गए, उन्होंने गाड़ियों को मूव ऑन करते हुए
کورک آب ہپر پہ سٹور وغیرہ مگر فائر ایٹ لیسٹ قریب قریب زرے مکان یہ قریب پانچ سٹوری مکان گراؤنڈ لیول پہ تاکہ یہ پنج پورس نیو قریب قریب لگ بھگ لگ بھگ نیرلی انسان بنی قریب قریب ٹو ست کرور روپیے اس زیادہ الحمد للہ الحمد للہ مالی نقصان گو مگر جونی الحمد للہ بچے پنژہ نفر منسلک پنژہ نفر یت نس کران ہوں روزگار یتھ جائے اس تم پہ وچو فاروق احمد صاحب یا فیاض احمد شیخ صاحب یا منظور احمد تھی ہوں پان وچ مطلب کچھ مطلب ہیکن مطلب یہ فادر اس گرینڈ فادر لا صاحب غلام احمد شیخ صاحب تھی وچو تمو کت پہ پن سیٹ اپ بنوت پہ یت پیمانس پہ وتم یہ ہیکن سہ مطلب بیس سال پیچھے بھی یہ بہت چلے گئے مطلب اب تھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ کتنا لاس تو اسپیشلی ڈی سی مام بارہمولہ سے اور گورنمنٹ سے یہی ہوگی کہ آپ دیکھیے اس کے لیے کیا اکاموڈیٹ ہوتا ہے جو ہمارے لیے جسٹس ہوگا اس چیز کا آپ ایک اچھا اسٹیپ دیکھیے گا یہ